क्या आप अपनी बेबीज़ के लिए सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, बेबीज़ के लिए सनस्क्रीन यूज़ करना सही है या नहीं, वो सारा कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, कैसा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, कब से यूज़ करना चाहिए, सब कुछ आपको बताएंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बेबीज़ प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोज़, रिव्यू वीडियोज़, सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर है, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 0 to 6 months बेबी को सनस्क्रीन नहीं लगाना होता है। 6 months के बाद आप बेबी को सनस्क्रीन लगाइए। कौन सा सनस्क्रीन लगाइए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 6 months के बाद आप मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करिए। आप ये हमेशा ध्यान रखिए, SPF 30 टू SPF 50 का सनस्क्रीन होना चाहिए और जिंक ऑक्साइड जरूर होना चाहिए सनस्क्रीन में। तो ये सारी चीजें किस सनस्क्रीन में मुझे मिली हैं, तो मैं वो आपके साथ इस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी फॉर बेबीज दी मॉम्स को मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये 100 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस है 474। ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, दी मॉम्स को के वेबसाइट पे मिल जाएगा, अवेलेबल है। सारा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जा कर के बाय कर सकते हो, चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसमें ये मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है विथ ऑर्गेनिक कैरेट सीड ऑयल एंड रेड रास्पबेरी ऑयल, प्रोटेक्ट एंड हेल्प प्रिवेंट सनबर्न, SPF 50+++, PA++ है। और इसमें सबसे अच्छी और बहुत अच्छी चीज़ है टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। कोई भी सनस्क्रीन आप बेबी के लिए यूज़ करो, उसमें जिंक ऑक्साइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है जो UVB रे और UVA रे दोनों रे से इसको मतलब बचाएगा सनबर्न होने से, प्रिवेंट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन्स UVB एंड UVA रेज। पोनगामिया ग्लैबरा सीड ऑयल है, नोन टू रिड्यूस UVB इंड्यूस स्किन एर्दिमा और रेडनेस, स्किन में जो रैसेस रेडनेस होते हैं उनसे बचाने के लिए है। ऑर्गेनिक कैरेट सीड ऑयल एंड रेड रास्पबेरी सीड ऑयल है जो नेचुरल सन प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटीज है जिसके अंदर। शिया बटर है जो सबसे अच्छी चीज़ है, मॉइस्चराइज और सूद रखता है स्किन को, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना गया है, एसेंशियल ऑयल्स है इसमें, SLS फ्री है, हार्मफुल केमिकल वाले सनस्क्रीन आप मत यूज़ करिएगा, और SPF 30 टू 50 का ही सनस्क्रीन यूज़ करिएगा बच्चे के लिए। मिनरल ऑयल फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, पैराबिन फ्री है। तो इस सनस्क्रीन को मैं जब मेरी बेबी 1 year की हो गई उसके बाद से मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके सामने मैं अभी लगा करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। इसकी कंसिस्टेंसी जैसे फाउंडेशन लगाते हैं ना हम, उस तरह की है। इसको आपको टैप टैप डैप करके फिर हल्का रब करना है, और ये थोड़ा वाइट कास्ट रहेगा इसमें क्योंकि इसमें मिनरल है। धीरे धीरे करके थोड़ी देर के बाद ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये ऐसे पूरा वाइट नहीं दिखता है स्किन में, बच्चों के स्किन में। पर ये नहीं कि आप एकदम लगाए और फ्लूइड टाइप का नहीं है, ये फाउंडेशन जैसे होता है ना उस तरह से है। मैं आपको रब करके दिखाऊंगी, थोड़ा वक्त लगता है फिर ये स्किन में जाके मिक्स हो जाता है। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे ये स्किन में मिक्स हो रहा है, और ये वाटर रेजिस्टेंस है। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, इस पर मैं पानी गिरा के दिखाऊंगी, ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, इतने ये स्किन में इतने अच्छे से सनस्क्रीन एब्जॉर्ब हो जाता है कि पानी फिर अंदर घुसता ही नहीं है। ये देखो, ये आप देख सकते हो इसके मेरे हाथ के ऊपर बबल्स हैं, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे अगर स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं तो आराम से आप इसे लगा करके आप स्विमिंग के लिए बच्चों को भेज सकते हो, क्योंकि पानी स्किन के अंदर घुसेगा ही नहीं स्विमिंग पूल का, और सन से भी प्रोटेक्ट करके रखेगा, तो बहुत अच्छा। ये धीरे धीरे फिर स्किन के कलर में मिक्स हो जाएगा, मैं आपको थोड़ी देर के बाद आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये स्किन में मिक्स हो गया, ये पता ही नहीं चल रहा कि सनस्क्रीन लगा भी है। हल्का तो वाइटनेस रहेगा क्योंकि इसमें मिनरल है, तो वो हल्का सा दिखेगा पर वैसा नहीं दिखता कि वो भद्दा दिखे। और ये वाटर रेजिस्टेंस है, SPF 50+, PA++ है, काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है। मैं यूज़ कर रही हूँ इसे, अभी यूज़ कर रही हूँ, और मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग में जो रिक्वायरमेंट होती है सनस्क्रीन की, वो बच्चों के लिए सेफ सब कुछ देखते हुए मुझे ये सनस्क्रीन बेस्ट लगा, तो मैं अभी यही यूज़ कर रही हूँ। आप भी इसे यूज़ कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।